तक तो आपको पता चल चुका होगा कि आपकी डाइट आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन तो आपकी ट्रेनिंग और आपका वर्कआउट प्लान कितना भी ऑन पॉइंट या कंसिस्टेंट हो, लेकिन आपको कभी भी अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सकता जब तक आपकी डाइट सही ना हो। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे आकर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये लोगों की गलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे वो कौन सी एक मैजिकल डाइट है जिसको फॉलो करके आपका वेट लूज हो जाए, आपको परमानेंट रिजल्ट मिले। और फिर मैं कुछ टिप्स दूंगी कि किसी डाइट को अपनाने से पहले आपको कौन सी चीज़ें सोचनी चाहिए ताकि आपकी डाइट आपके वेट लॉस के लिए काम कर सके। और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन सी डाइट फॉलो करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं कि वो कौन सी डाइट है जिसको फॉलो करके आपका परमानेंट वेट लूज हो, जो सबसे इफेक्टिव हो। सो प्रॉब्लम ये है कि लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि वो कौन सी डाइट है जो मुझे सूट करती है और जिसको मैं फॉलो करके परमानेंट रिजल्ट हासिल कर सकूं, क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा डाइट्स आई हुई हैं और कुछ डाइट्स जो ऐसी हैं वो कई लोगों के लिए काम करती हैं, कई लोगों के लिए काम नहीं करती हैं। किसी को रिजल्ट मिलता है और किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी एक डाइट है, एक डाइट होनी चाहिए जो मेरे लिए काम कर सके। सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन डाइट वो है जिसके ऊपर आप मुस्तकिल कायम रह सकें, जिसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। अगर आप एक डाइट को फॉलो कर रहे हैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आपको लिमिटेड रिजल्ट मिलेंगे, आपको कभी परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लो कार्ब डाइट को फॉलो कर रहे हैं 2 महीने के लिए, तो आपको 2 महीने का रिजल्ट मिलेगा। 2 महीने के बाद अगर आप उसको फॉलो करना छोड़ देंगे, तो फिर थोड़े अरसे के बाद आप उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। सो आपको इस बात पे यकीन करना होगा कि आप वो वाली डाइट को फॉलो करें जिसके ऊपर आप परमानेंटली कायम रह सके, क्योंकि जितनी भी डाइट्स मार्केट में हैं उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है, वो काम करती हैं, आपको रिजल्ट मिलती हैं जब तक आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो सारी डाइट्स इक्वली इफेक्टिव हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए कि जो सारी डाइट्स हैं वो उनका जो मेन पर्पज़ है वो आपको कैलोरी डेफिसिट में रखना है, मतलब कि जितने आप कैलोरीज खा रहे हैं, जितना खाना खा रहे हैं उसको लिमिट कर देना। अगर आपने फैट्स ज़्यादा खाने हैं तो अपने कार्ब्स को कम कर दें, अपने प्रोटीन को जो उनसे मेंटेन करें। अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा खानी है तो मे भी अपने फैट्स और कार्ब्स को मॉडरेट कर लें या उसको कम कर लें। तो ये ऐसे उसको थोड़ा सा वर्क अराउंड किया जाता है ताकि वो आपको रिजल्ट दे सकेगी। लेकिन अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप किसी भी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको कौन सी बातें मद्देनजर रखनी है, किस बात क्या चीज़ें सोचनी है। सो पहली बात ये कि आप जब किसी डाइट को फॉलो करने लगे हैं, मेक श्योर करें कि वो आपकी लाइफस्टाइल के साथ सूट करता हो, आपके बजट के अंदर आता हो, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आता हो। अगर आपके पास बिजी स्ट्रेसफुल रूटीन है तो आप ऐसी चीज़ें, ऐसी डाइट को अपनाएं जिसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को लिमिट करना है तो आप इस तरह उसको लिमिट करें कि आप उसके साथ पूरा दिन गुजार सकें, आप रोज़ाना के काम कर सकें, कि जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो। अब दूसरी बात ये कि आप जब किसी डाइट को फॉलो करने लगे हैं तो मेक श्योर करें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, आप उसको अच्छी तरह पहले रिसर्च करें ताकि आपको पता हो कि ये डाइट आपकी बॉडी के ऊपर काम कैसे करेगी, ताकि आपको बेहतरीन नतीज मिल सके। तीसरी बात ये है कि आप मेक श्योर करें आपके हार्मोन्स जो से हैं वो बैलेंस हो। जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करेगा, ख़ासतौर पर लड़कियाँ और ख़वातीन, इसलिए हमारा जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमारे हार्मोन्स बहुत इजीली इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर हम अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं तो बहुत इजीली हम अपने हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो मेक श्योर करें हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म सही से काम करे, हमारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हों, ब्लड शुगर लेवल, हमें थायराइड का प्रॉब्लम ना हो, हमें इंसुलिन की प्रॉब्लम ना हो, और हमारे गट जोन्स है वो सही से काम कर रहा हो। ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमारे वेट गेन और हमारे वेट लॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब चौथी बात ये कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ इन लाइन हो। जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं किसी डाइट को फॉलो करने के लिए या वर्कआउट प्लान को फॉलो करने के लिए, तो हम फिज़िकली जितनी भी एफर्ट कर लें हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। या अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या आप डिप्रेशन का शिकार हैं
या आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार है, तो ये सारी चीजें आपके वेट गेन और आपके वेट लॉस के ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो मेक श्योर करें आप अपनी रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज लेकर आए जो आपके स्ट्रेस लेवल को, आपकी नेगेटिविटी को और आपके डिप्रेशन को कम करें। मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, ये हमारी डिप्रेशन और हमारे स्ट्रेस को कम करता है। और लाइफ में सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी लेकर आए। हर चीज़ का मनफी और मुस्बत पहलू होता है। अगर हम मुस्बत पहलू के ऊपर ज़्यादा गौर करें तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर हो सकती है। अब जो पांचवी बात है वो ये कि अपनी नींद पूरी करें। हमारी नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे नींद के साथ। अगर हमारी नींद सही से पूरी नहीं है तो हमारे ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे, हमारे हार्मोन सही से काम नहीं करेंगे। आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है 8 से 9 घंटे या 7 से 8 घंटे सोना, लेकिन अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर करें। और आखिरी पॉइंट वो ये कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, पानी पिएं। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। हमारा जिस्म, हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स को ठीक से काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब तक हम अपने बॉडी को सही से हाइड्रेट नहीं करेंगे वो ठीक से काम नहीं करेंगे। सो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपको सोचने चाहिए किसी भी डाइट को फॉलो करने के लिए। सो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन सी डाइट फॉलो करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हों और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। मैं बेसिकली फ्लेक्सिबल डाइटिंग करती हूँ। फ्लेक्सिबल डाइटिंग का क्या मतलब है कि मैं नॉर्मली बैलेंस फूड खाती हूँ, क्लीन ईटिंग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी ओकेजनली मैं अनहेल्थी भी खाती हूँ। मैं कार्ब्स भी खाती हूँ, मैं हेल्थी फैट्स खाती हूँ और ऑब्वियसली प्रोटीन भी खाती हूँ। लेकिन दो चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, वो ये कि एक तो मैं कभी, स्पेशली अगर मैं घर से बाहर खाना खा रही हूँ या मैं कोई डिज़र्ट खा रही हूँ, तो मैं उसका कभी एक पूरा पोर्शन नहीं खाती हूँ। मैं हमेशा उसको शेयर करती हूँ किसी के साथ या उसको सेव कर लेती हूँ। और साथ साथ मैं कभी पेट भर कर खाना नहीं खाती हूँ, और खाने से पहले पानी पीती हूँ, खाने के बाद कभी पानी नहीं पीती हूँ। और दूसरी बात, मैं फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ। मैं मेक श्योर करती हूँ कि एटलीस्ट मैंने 12 घंटे कुछ ना खाया हुआ हो। सो ये चंद रूल्स हैं जो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, और ये चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इसको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट लॉस करने के लिए। और साथ साथ ये सारी बातें सुन्नत भी हैं और साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि डाइटिंग जो सी है वो कैसे काम करती है, कौन सी बातें आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, और आप मे बी कंसिडर कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को या फास्टिंग को, और कभी पेट भर के खाना ना खाएं, खाने के बाद पानी ना पिएं, मतलब कि सुन्नत को फॉलो करें और हर वक्त स्नैकिंग ना करते रहें। तो हम किसी भी डाइट को फॉलो करें सो हमें हमेशा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छी लगी है लाइक भी करें। मैं आपके साथ मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।